हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। तो स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक भाई साहब जो है बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कई वीडियो में जो है कमेंट किया है कि भाई प्लीज़ ये बताओ कि वहाँ पर जब जब भी कोई यहाँ पर बंदा काम करने के लिए आता है तो वो अकेले काम करने जाता है या कितने लोग होते हैं साथ में, कितने लोग साथ में काम करने के लिए जाते हैं, तो कितने मतलब हेल्पर जाते हैं और कहाँ साथ में काम करने के लिए, और कितने टेक्नीशियन वगैरह, यही सब मिल करके मतलब एक साइड पे कितने आदमी काम करने के लिए जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, ठीक है। तो भैया, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई ऐसी वीडियो, मैं दुबई में जॉब करता हूँ तो यहाँ से जब भी कोई ऐसी ही वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए, जानकारी जो है अपलोड करूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो और वीडियो पसंद आए तो आपको ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी जानकारी पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि हमारे साथ में कितने लोग काम करते हैं, यानी कि जो हमारी टीम है, हम लोग अपनी टीम में कितने लोग हैं, ठीक है। तो वो जब हम कहीं काम करने के लिए जाएंगे उस समय आप लोग को दिखाएंगे कि कितने आदमी हमारी हम लोगों की टीम में, तो सही है। तो फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे और जो दिखाएंगे वो जब हम कहीं पे काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे सब लोगों से, आपको मिलाएंगे कि मतलब सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ बताने वाला हूँ और तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई फोरमैन से, ठीक है। आपकी टीम में एक ऐसा बंदा होगा जो कि फोरमैन होगा, यानी कि हर चीज़ देखने समझने वाला, कस्टमर के साथ डील करने वाला, बात करने वाला एक बंदा ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद में मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता है, वो काम भी करता है, लेकिन जो मेन फोरमैन होता है वो काम नहीं करता है, यानी कि जो कंपनी में बड़ा फोरमैन होता है वो काम वगैरह नहीं करता है, लेकिन जो आपके साथ में फोरमैन होता है वो छोटा मोटा काम करता रहता है आप लोगों के मतलब साथ में, और बाकी जो लोग होते हैं वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर साथ में कितने लोग काम करने के लिए जाते हैं भाई? कम से कम 3 लोग, कम से कम 3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3 लोग, और 3 लोग बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 लोग ही मिलेंगे यहाँ पर, कम से कम 4 लोग ही जाएंगे। 3 लोग भी जाते हैं वो कभी कभी, ठीक है, लेकिन 4 लोग वैसे जाते हैं जिसमें कि आपको जो है दो जो कि टेक्नीशियन हो जाते हैं और एक दो जो है हेल्पर हो जाते हैं, ठीक है। तो हेल्पर मतलब कुछ लोग तो चलो हेल्पर वही हो जाते हैं जिनको काम नहीं मालूम होता है, और कुछ लोग वो होते हैं जैसे नए आते हैं तो उनको जो है टेक्नीशियन के साथ में भेजा जाता है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बनाएं और काम वगैरह मतलब अपने हाथों से करने लगे, तो इसलिए जो है उनको भेजा जाता है। तो यहाँ पर कम से कम आपके साथ में 4 लोग होंगे, कभी कभार 3 लोग, लेकिन वैसे लाजिम 4 लोग आपके साथ में होंगे। और किसी किसी कंपनियों में जो है ड्राइवर जो है वो केवल मतलब ड्राइविंग का ही काम करता है, उसने जाना है सिर्फ आपको वहाँ पर छोड़ना है और आप लोगों ने काम करना है, वो गाड़ी में ही बैठा रहना है। लेकिन किसी किसी कंपनियों में क्या होता है कि वो ऐसे आदमी को ड्राइवर रखती हैं जो कि एसी का यानी कि टेक्नीशियन भी हो या फिर हेल्पर वगैरह जो भी काम कर सकता हो कर ले, या ज़्यादातर मतलब टेक्नीशियन रखते हैं और ड्राइविंग का भी मालूम हो, तो उस हिसाब से उनका एक आदमी कम हो जाता है। अगर ड्राइवर अलग से होता है तो फिर आपके साथ 5 आदमी तक भी हो सकते हैं। तो अपने यहाँ जैसे क्या होता है, 2 आदमी ही सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो 2 आदमी काम करने के लिए जाते हैं और वही बाइक में जाना होता है, आगे जो है आपका जो है जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी मतलब टेक्नीशियन होता है आगे बैठ जाता है, हेल्पर होता है पीछे बैठ जाता है बैग रख के, सही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई भी बाइक से काम करने के लिए नहीं जाता है, यहाँ पर सारे लोग जो है फोर व्हीलर से ही काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे आपने यहाँ देखी होगी आप लोगों को वैन होती है ना, तो बहुत सारी कंपनी टाटा मैजिक आप लोगों ने देखी होगी, सेम यही होती है। और उसमें क्या होता है, आप जो है सीटें वगैरह निकाली होती हैं नहीं होती हैं उसमें, जो है पीछे आपका सारा सामान होता है और आगे जो है वो बंदे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि बाइक से काम करने जाती हो, सारी कंपनियों के पास गाड़ियां होती हैं, जितनी जिस हिसाब से उसके पास आदमी होते हैं यानी कि उसके पास जितनी टीमें हो सबसे वो अपने पास गाड़ियां रखती है, ठीक है। तो यही है। और मतलब बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो पिकअप वगैरह भी रखती हैं जिनमें पीछे खुला सामान होता है वहाँ भी रख लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
गाड़ी होनी चाहिए और फोर व्हीलर ही, यहाँ पर हर कंपनी के पास फोर व्हीलर होती है और 4 से 5 आदमी काम करने के लिए जाते हैं, जिसमें 2 आदमी हेल्पर भी हो सकते हैं, ठीक है, और 2 आदमी टेक्नीशियन, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर है किस हिसाब से भेजती है आपके साथ में, और यही है जब नया आदमी आता है तो उसको पहले जो है टेक्नीशियन के साथ में ही भेजा जाता है थोड़े दिनों के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा जो है नॉलेज और हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब बंदा नया आता है तो थोड़ा बहुत मतलब काम करने में घबराता है, और जैसे ही यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा बहुत मतलब काम देखता है, थोड़ा बहुत करने लगता है, फिर जो है धीरे धीरे उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है और काम बढ़िया प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है। तो यही है भैया, बहुत दिनों से भाई कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर कितने लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ और बहुत सारे लोगों को पता भी चल जाएगा, तो भैया वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा, और क्योंकि आप लोगों को पता है भैया अभी जो है हम उतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, अगर आप लोग जो है थोड़ा बहुत हेल्प करते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आप ही लोगों का सहारा है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो अभी आप लोग जो है जानकारी पूछते हैं मैं वो जानकारी देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी लोग मतलब जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी आप लोग को पूछना है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।